पूरे 9 दिन आप इसको खा सकते हैं और अच्छे से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी ये नमकीन बनी है और एकदम करारी सी ये नमकीन बनी है। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ब्रेड की नमकीन, जिसको हम फलहारी नमकीन भी बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये बनके रेडी होगी और इसको हम बनाएंगे आलू लच्छा के साथ में और कई सारी चीजें हम इसमें डालेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते इसको बनाना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप मुझे देख रहे हैं स्वाति किचन में, जिसकी टैगलाइन है कुक फॉर विद लव। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के आइकन पर भी क्लिक करिए, ताकि मेरे आने वाली नई नई रेसिपी आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 आलू लिए हैं जो मीडियम साइज के हैं और जिसको मैंने छील के पानी में डाल दिया है, क्योंकि आलू जो है बहुत जल्दी काले होने लगते हैं, तो ये मैंने पानी में डाल दिए हैं। तो अब हम इसके लच्छा बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है और जिसमें मैंने पानी को डाल दिया है, इसमें हम आलू लच्छा बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ग्रेटर ले लिया है और जिस साइड ये मोटे वाली जो छेद है इससे हम इसको ग्रेट करेंगे, और ये देखिए मैं इसको इसमें ही ग्रेट करेंगे। और आप चाहें तो इसको एक अलग प्लेट में लच्छे बना लीजिए, फिर आप इसको पानी में डाल दीजिएगा। और ये देखिए मैंने सभी आलू के लच्छे बना के रेडी कर लिए हैं, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, तो अब हम इसको 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है और इसमें अभी हल्की सी नमी है, तो अब हम इसको सूखने के लिए एक किचन टॉवल पे इसको फैला देंगे। तो यहाँ पे मैंने किचन टॉवल ले ली है और जिसको हम इस पे फैला देंगे तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। लगभग 10 मिनट के लिए इसको हवा लगने देंगे और तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और अब मैंने कढ़ाई ले ली है और जिसमें मैं ये देसी घी डाल दूंगी 2 टेबलस्पून। देसी घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है, गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने लिए हैं लगभग 25 ग्राम काजू, तो इसको हम इसमें ये डाल देंगे। और यहाँ पे गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे और इसको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे काजू को, जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए जो काजू है उनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको मैंने छलनी में निकाल लिया है और हल्का सा इसको हिला देंगे ताकि जो भी घी हो वो नीचे निकल जाए, और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने गैस को दोबारा से ऑन कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। तो ये लगभग 1 छोटा कप है और इसको भी हम लगभग 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता, और गैस को लो फ्लेम पे ही रखेंगे। और ये देखिए मूंगफली के दाने जो हैं वो भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। और सारी चीज़ों को हम छलनी में ही निकालेंगे और हल्का सा इसको हिला देंगे, जो भी ऑयल होगा वो नीचे आ जाएगा कढ़ाई में ही। और इसको भी टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। और ये देखिए अभी भी कढ़ाई में देसी घी है, तो अब हम इसमें डालेंगे मखाने। तो ये एक बड़ा बॉल मैंने मखाने लिए हैं और मैंने जो ये मखाने लिए हैं ये भी लगभग 50 ग्राम है, और गैस को यहाँ पे लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको करारा होने तक हम इसको भून लेंगे। और ये देखिए मखाने भी करारे हो चुके हैं, तो यहाँ मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको निकाल लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने जो आलू लच्छे को बना के तैयार किया था वो भी अच्छे से सूख चुके हैं, तो आइए अब हम इनको तल लेते हैं। यहाँ पे मैंने अब एक कढ़ाई ले ली है और जिसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे से गरम कर लिया है, और अब हम इसमें आलू लच्छा को तलेंगे। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि अच्छे से गर्म हुआ है। तो ये देखिए जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ये लच्छा डाल देंगे। और अभी हम इसको हिलाएंगे नहीं, जब ये नीचे से हल्के से गोल्डन ब्राउन हमें जब दिखने लगेंगे तब हम इसको पलटेंगे।
और ये देखिए अब मैं इसको पलट देती हूँ और अब गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं आलू के लच्छे, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे। और ये देखिए मैंने आलू लच्छा को एक छलनी में निकाल लिया है, कितना अच्छा कलर आया है। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह मैं सारे आलू लच्छा को तल लेते हैं। मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है जिसमें मैंने आलू लच्छा को कर लिए हैं और अब हम इसमें ये सारी चीज़ें मिला देंगे, मखाने, मूंगफली के दाने और काजू, तो इसको भी इसमें मिला देते हैं। और अब मैं इसमें मिला दूंगी किशमिश। किशमिश को मैं ऐसे ही डालूंगी, तो ये लगभग 15 से 20 किशमिश है तो जिसको मैंने मिला दिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 10 से 12 करी पत्ते जिसको हम तल लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई जिसमें मैंने आलू लच्छा को तले थे, तो वही वाली मैंने कढ़ाई ले ली है। और अब मैंने एक छलनी ले ली है तो इसमें हम करी पत्ते डाल देंगे। यहाँ पे मैंने करी पत्ते को छलनी में रख दिया है और इसके ऊपर हम ये ऑयल डाल के इसको तल लेंगे इस तरीके से। ये एकदम हमें कढ़ाई में नहीं डालने वरना ये बहुत जल्दी जल जाएंगे, तो इसको हमें छलनी में लेके ही तलेंगे। तो ये देखिए अच्छे से करारे हो चुके हैं, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ और गैस को बंद कर देते हैं। और अब मैं ये इसमें मिला दूंगी कड़ी पत्तों को। और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से कितनी करारी है ये देखिए। और अब मैं इसमें मिला देती हूँ ब्लैक पेपर पाउडर आधी टीस्पून। और अगर आप व्रत में सेंधा नमक खाते हैं तो आप इसमें मिला सकते हैं। और इसको अच्छे से मिला देते हैं ब्लैक पेपर पाउडर को। और ये देखिए व्रत में खाने वाली नमकीन बनके रेडी हो चुकी है, आलू लच्छा नमकीन। तो अब हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है जिसमें हम इसको रखेंगे। और अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में कर ले। और ये देखिए मैंने तो आलू लच्छा नमकीन को 9 दिन के लिए स्टोर कर लिया है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप कब बना रहे हैं और आपने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए आलू लच्छा नमकीन बनके रेडी हो चुकी है, व्रत वाली नमकीन। तो अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।